नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। वोटिंग उतनी कुछ खास नहीं रही, लेकिन वोटिंग के बाद का शोरगुल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जिस तरह से हर चुनाव के बाद ईवीएम का खेल शुरू होता है, वो इस बार भी शुरू हो चुका है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो भागलपुर की है। भागलपुर के बिखनपुर में बूथ संख्या 238 पर इस बात को लेकर हल्ला हो गया कि ईवीएम बदला जा रहा है, और इसको लेकर वहाँ जो हमारे संवाददाता थे उन्होंने उस पर नज़र खबर पर बनाई हुई थी। उन्होंने हमें कल रात में खबरें भेजी थी, हम गलती से लगा नहीं पाए किसी कारणवश। तो अभी हम ये अपडेट आपको दे रहे हैं कि भागलपुर में ईवीएम को लेकर हल्ला हुआ था, बिखनपुर में बूथ संख्या 238 पर यह हल्ला हुआ था, और उसके बाद वहां प्रशासन भी पहुंचा। प्रशासन ने वहां पर मौजूद जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता थे उन्हें शांत करवाया। साथ ही वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी और निवर्तमान भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा भी वहां पहुंचे थे, और उन्होंने भी इस पर प्रेस से बात की और बताया कि क्या कुछ मुद्दा हुआ था। तो लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि ये भरा हुआ पहले से बक्सा इस पर डालेगा और लेके चला जाएगा, तो ये गड़बड़ करने की आशंका जनता को हुआ। जनता ने मुझे फ़ोन किया, मैं तो घूम रहा था बूथ में, लौट के आया यहाँ पे, देखा कि सब कुछ सील है, तो मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया। SDO साहब आए, सब देखे, मैंने सारे AVM का फ़ोटो ले लिया है ताकि ये AVM नंबर वहाँ पॉलिटेक्निक में गिनती समय न रहे, और मैं उस पर हूँ। यहाँ जो बूथ पर लोगों ने वोट किया उसको इन लोगों को कहा है कि बढ़िया से सील कराइए, और जब ये गाड़ी लेके जाएगा आप पीछे से मोटरसाइकिल रहिएगा ताकि वो जगह पर पहुंच जाए। मैं आश्वस्त किया इन लोगों को कि जितना मशीन अभी मैंने गाड़ी में देखा, और आगे भी कोई दूसरा AVM मशीन ना घुसे, इसके लिए आदमी वहाँ रहेगा, और हम आश्वस्त करते हैं जनता को आपके माध्यम से गड़बड़ी नहीं। लेकिन इन लोग को भी, प्रशासन के पदाधिकारी को भी चाहिए था कि आपका जब खराब हो कहीं पर तो आप वहाँ भेज दो, कचहरी चौक और इसमें दूरी क्या 2 मिनट में आएगा। आप इस तरह से गाड़ी पर 50 लेके घूम रहे, शाम में हुई 5 बजे, और आपने 1 घंटा वोटिंग 4 बजे से 1 घंटा वोटिंग 2 घंटे बाधित हुआ। सब लोग तो उसी को जोक रहे हैं, वोट तो हुआ नहीं। तो लोकतंत्र में वोट देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे विकास बाधित होता है। प्रशासन के पदाधिकारी को चाहिए ये सब जो खराब हो तब आप लेके आइए, जनता कुछ नहीं बोलेगी। आप क्या कर रहे हो कि वहाँ पर खराब नहीं और मशीन लेके जा रहे हो, लोगों को शक हुआ क्योंकि अब उठने का समय आ रहा था मशीन का, से लोगों ने इसको रोका था। मैं आया हूँ, SDO लोग आए हैं, सबका फोटो ले लिया है मैंने, और मैं आश्वस्त किया हूँ कि ये बक्से वहाँ नहीं जाएगा। गड़बड़ी नहीं हुई है अभी तक, नहीं हुई, लेकिन इन लोगों अभी गड़बड़ी कैसे हो गया, अभी तो पोलिंग हो रहा है। वो मिस्टेक गाड़ी में EVM जो कहीं EVM कंप्लेन आता है उसको रिपेयर करता है, चेंज करता है, उसी में यहाँ पर लोग ये लगाया आरोप कि हम लोग EVM प्रशासन जो है EVM को ले जा रहा है सील कर, ये पूर्णतः गलतफहमी का मामला था। जो भी हो विद्वांस है हम जांच करवा लें, लेकिन पूर्णतः भीड़ इकट्ठा किया गया है, हाथ में कानून को लिया गया है, ये गलत बात है। इसमें क्या कार्रवाई बनाया, ये बंधक नहीं बनाया गया, ये बंधक बन बात नहीं है ना। उन लोगों को ये विद्वांस था कि ये EVM में है ना जो ये सील करके लिया जा रहा है, उन्हें जानकारी नहीं थी कि कौन सा EVM था, जानकारी नहीं थी। समाज में बहुत सारे होते हैं ऐसे एलिमेंट जो अफवाह फैलाते हैं, अफवाह का हो गया, सब शांत पड़ गया, सारे पब्लिक शांत वापस चला गया, अगले समझ में आ गया कि मामला क्या है। किसी भी मामला समझ में नहीं आई थी, क्या फैलाया गया, अफवाह ये फैलाया गया कि बूथ पर से बक्सा को सील करके लिया जा रहा है। ठीक है, जब 6 बजा ही नहीं है कैसे ले जाएंगे भाई। जो सेक्टर मोबाइल का गाड़ी है उसमें कई EVM मशीन रहती है जो खराब होता है, रिपेयर होता है, एक्सचेंज होता है, बेवजह मारपीट करने की कोशिश की, इसने कोशिश की है। हम लोग जांच कर रहे हैं, कार्रवाई भी करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, वहाँ के जो प्रशासन है उन्हें भी सुना, और वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा को भी सुना, दोनों ही फिलहाल संतुष्ट हैं, और उन्होंने कहा है कि EVM बदलने को लेकर जो वहाँ पर हो हल्ला मचा था वो कतई सही अभी नहीं है। हालांकि अजीत शर्मा ने यह भी कहा कि उन्होंने फोटो खींचकर EVMों का रख लिया है, और आगे जब ये स्टॉक रूम में जाएंगे तो वहाँ भी वो इसका मिलान ज़रूर करेंगे। फिलहाल जो ये खबर आई है उस पर सभी जो पक्ष हैं वो संतुष्ट हो चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि और किन किन जगहों से EVM बदलने को लेकर और EVM में खेल को लेकर खबरें आती हैं। जहाँ से भी आएंगी हम तुरंत आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद।